अब तो कोई गिला कोई शिकवा नहीं है मुझसे। अब तो मामा खुद तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आई थी, तो खुश हो ना? अगर आपको ऐसा लगता है तो हाँ, मैं भी खुश हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं समझ गया हूँ, तुम मामा की बातों की वजह से परेशान हो रहे हो। देखो कुछ से यार, मामा कह रही हूँ तुम्हारे यहाँ तुम्हारा रिश्ता मांगने आना कोई मामूली बात नहीं है। तुम जानती हो कि वो इस रिश्ते के लिए कितनी मुश्किल से राजी हुई है। अब उनकी जुबान की कड़वाहट, उनका सख्त लहजा, ये सब इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकता ना, वक्त लगेगा। और मेरे ख्याल से तुम्हें भी अब उन्हें थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहिए। मैं जानती हूँ, तभी तो मैंने आपसे कोई गिला नहीं किया। अच्छा पापा, मैं खुश हूँ। सिर्फ खुश? बहुत खुश। लेकिन इब्राहिम, आप शादी के बाद ऐसे ही रहेंगे ना, बदलेंगे तो नहीं? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, कुछ से दिलो जान से चाहे तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया के सामने डट गया। और अब फाइनली जब तुम मेरी होने जा रही हो तो बदलने का तो सवाल ही नहीं पड़ता। हालात, डर, खौफ, इस तरह के सवाल पैदा कर देते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आप अपने दिल से सारे खौफ सारे डर निकाल दो। देखो जो होना था, जितनी मुश्किलें आनी थी आ चुकी हैं। अब तो बस, हाँ गुड न्यूज है, बाबा ने कहा है कि वो इलियास भाई से बात करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी की डेट फिक्स कर दे। और उन्होंने तो मामा को ये भी कहा है कि हमारी बहू के लिए शॉपिंग स्टार्ट कर दे। बस अब तुम भी तैयार हो जाओ बहुत जल्द हमारे घर आने के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।